गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपको मैट्रिक्स पढ़ाऊंगी। मैट्रिक्स क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए ब्रैकेट। ओके, द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर इन ए ब्रैकेट, उसको क्या बोलते हैं हम? मैट्रिक्स। किसी भी ब्रैकेट में नंबर के अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? मैट्रिक्स। और इसका डिनोट करने का इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड देन द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। आइडेंटिटी हुई इसमें रो और कॉलम्स, द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? रो। एंड द वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलते हैं कॉलम्स। ओके, द हॉरिजॉन्टल लाइन को हम डिनोट करते हैं रो से, एंड द वर्टिकल लाइंस को हम डिनोट करते हैं कॉलम से। और इसको लिखने का तरीका है रो इनटू कॉलम्स। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम्स हैं। तो रो हुए हमारे पास वन हॉरिजॉन्टल लाइन, देन सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कितने रो हुए हमारे पास? टू। एंड द कॉलम्स, कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल लाइंस, फर्स्ट वर्टिकल लाइंस, सेकेंड, थर्ड, हमारे पास कितने कॉलम्स हुए? थ्री। तो हम किसी भी मतलब मैट्रिक्स को किस तरीके से लिखते हैं? रो इंटू कॉलम। और इस मैट्रिक्स में कितनी? टू इंटू थ्री, टू रो एंड थ्री कॉलम्स, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। और सॉरी, और जो ये हमने लिख रखा है रो इंटू कॉलम, ये क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर जो लिखते हैं वो किस तरह से लिखते हैं? रो इंटू कॉलम से। तो इस मैट्रिक्स का क्या हुआ? रो इनटू कॉलम। देन मैं आपको आगे एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे ये अब आपको इसमें देखना है इसके कितने रो और कितने कॉलम्स हैं। देन द फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, आपके पास कितनी रो आ गई? इसकी रो आई आपके पास थ्री। एंड द कॉलम्स, फर्स्ट रो, सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, तो आपके पास कॉलम भी कितने आ गए? थ्री। और आप इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं? रो इनटू कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? थ्री इंटू थ्री। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का अपने आप ही ऑर्डर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? कि उस मैट्रिक्स के कितने रो इंटू कॉलम है या उस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है। देन नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। हम किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट कैसे निकालते हैं? तो एलिमेंट कैसे होता है हमारे पास? ए आई जे, ठीक है। इसमें हम आई हमारे पास क्या होता है? रो, ठीक है, और जे हमारे पास होता है कॉलम्स। तो आई क्या होता है? आई को हम क्या लिख सकते हैं? रेस्पेक्टिव रो नंबर। ओके, आई क्या होता है हमारे पास? किसी भी मैट्रिक्स का रेस्पेक्टिव रो नंबर्स। और जे क्या होता है हमारे पास? रेस्पेक्टिव कॉलम नंबर्स। तो हम किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल, तो हमें कोई पूछेगा कि आप इसमें, इस मैट्रिक्स में ए टू थ्री बताओ, ठीक है, ए टू थ्री, ए सिक्स टू थ्री कौन सा एलिमेंट होगा? तो हमारे पास ये क्या चीज बता रखी है मैंने आपको? रो। और ये क्या है? कॉलम्स। तो हमने सबसे पहले टू, आर हमारे पास सेकंड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये आ गया हमारे पास सेकंड रो, और कॉलम्स कितना है? थ्री। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ गया? ये वाला सिक्स। तो हमारे पास ए टू थ्री कितना है? सिक्स। ओके, अगर कोई आपको इस तरह से पूछता है देन अगेन ए ए थ्री थ्री, ओके, ए थ्री थ्री आपके पास इस मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट है? तो आप उसी तरह से पहले ए ये क्या है? रो, और ये क्या?
सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स के कितनी टाइप है अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है रो मैट्रिक्स। ओके, आपको रो मैट्रिक्स से ही नाम से ही पता चल रहा होगा, रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो हो, कॉलम जितने हो हम उसको काउंट नहीं करते, कितने ओनली वन रो। सो जस्ट एग्जांपल, ठीक है, हम रो किस तरह से लेते थे, ए हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमारे पास ओनली वन रो, वन हॉरिजॉन्टल लाइन है, वन रो। ओके, और इसमें कॉलम देखो 1 2 3 4, फोर कॉलम है, लेकिन इसमें हम कॉलम नहीं कर देते हैं, ओनली क्या चीज देखते हैं, रो। तो इसमें ओनली वन रो, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स होगी उसको क्या बोलेंगे हम, रो मैट्रिक्स। और सेकेंड है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम हो, ओके ओनली वन कॉलम, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3। देखो इस और कॉलम क्या होता है हमारे पास, ए वर्टिकल लाइन इज नोन एज अ कॉलम मैट्रिक्स, ओनली वन वर्टिकल लाइन, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। और हमारे पास इसमें रो चाहे जितने मर्जी हो, 1 2 3, थ्री रो है, पर हम इसको देखते नहीं है, ओनली क्या चीज देखते हैं हम इसमें, क्या चेक करते हैं कॉलम मैट्रिक्स में, ओनली वन वर्टिकल लाइन्स। ओके, देन थर्ड है हमारे पास नल मैट्रिक्स, थर्ड आ रही है हमारे पास नल मैट्रिक्स, और इसको ही हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। नल मतलब खाली, जीरो मतलब जीरो, मतलब ऐसे कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट खाली या फिर जीरो हो, दिस जीरो 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 जीरो, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि हमें नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ओके, आप मैं अभी इसका थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ, पर आगे जाके आपको इसको अच्छे से मिल जाएगा। जैसे हम इसमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, जैसे हम किन्हीं भी टू मैट्रिक्स को आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स आगे हमारे पास अननोन, उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गए, माना हमने उसके सारे ही एलिमेंट मल्टीप्लाई करने के बाद वो जीरो आ गए, ठीक है, जिससे सारे ही मैट्रिक्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स के जो हमारे पास आंसर आता है उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या बन जाते हैं हमारे पास, जीरो। तो हमारे पास अगर हमने ये नहीं देखा होता कि अगर कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो उसका हमने कुछ नाम नहीं दिया तो हम इस टाइम इसका नाम क्या देते, ओके, इसलिए हमें नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बनानी पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फोर्थ टाइप है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फोर टाइप क्या आई हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आपने रेक्टेंगुलर तो पढ़ रखा होगा पहले, रेक्टेंगुलर क्या क्या मतलब होता है, लेंथ इज डज नॉट इक्वल टू ब्रेथ, किसी भी रेक्टेंगुलर की हमारे पास रेक्टेंगुलर कैसे रहती है, दिस इज रेक्टेंगुलर, मतलब लेंथ और ब्रेथ आपस में बराबर नहीं होते, तो इसमें भी यही है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बस उसको मैट्रिक्स का नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं रहेंगे, या 2 × 3 ऐसी कोई मैट्रिक्स रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, या फिर 3 × 2 ऐसी कोई मैट्रिक्स रहेगी उसको क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देन द फिफ्थ है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, कोई भी मतलब स्क्वायर उसके लेंथ और ब्रेथ आपस में बराबर है उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर, तो उसको स्क्वायर के आगे क्या जोड़ दिया है, मैट्रिक्स, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके लेंथ और ब्रेथ आपस में बराबर हो, तो इसका क्या हो गया,